दोस्तों, आई केयर में टेक्नोलॉजी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि हमें आंखों की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में ही मदद मिल रही है। तो आज हम एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं OCT। OCT का मतलब होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है जो आंखों की डायग्नोसिस में बहुत काम आती है। आंखों के कई हिस्सों के डायग्नोसिस में OCT का यूज़ होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन। आजकल हम देखते हैं कि ऑप्थल्मोलॉजिस्ट OCT टेस्ट को काफ़ी रिकमेंड करते हैं और आपको कई कंडीशंस में इस टेस्ट की एडवाइस दी जाती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि OCT टेक्नोलॉजी क्या होती है। सरल भाषा में कहूँ तो OCT मशीन में एक लाल रंग की रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है और इस लाल रंग की रोशनी का आंखों पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता। ये लाल रंग की रोशनी मशीन द्वारा आंखों के अंदर डाली जाती है और अंदर जाने के बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो सॉफ्टवेयर से उसकी जो रिकवरी को एनालिसिस किया जाता है। और दोस्तों, इससे हमारी आँख के अंदर की जो टिश्यूज़ होती हैं उनकी लेयर बाय लेयर उसकी हमें एक मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है। इस पूरे टेस्ट को होने में आमतौर पर 2 से 4 मिनट का समय लगता है और मरीज की आंखों में किसी तरह का इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई दवाई डालनी पड़ती है। ये पूरी तरह से नॉन इन्वेजिव होता है, यानी कि ऐसा होता है जैसे आंखों की एक फ़ोटो खींची जा रही हो। तो आइए अब बात करते हैं कि OCT का इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी आँख है और हमारी आँख के अंदर अगर हम आगे से शुरुआत करें तो कॉर्निया, लेंस, विट्रस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व, ये सारे टिश्यूज़ होते हैं। OCT का इस्तेमाल आमतौर पे सबसे ज़्यादा रेटिना के स्कैन के लिए किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे OCT का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और अब ग्लोकोमा यानी काला मोतिया में ऑप्टिक नर्व को स्टडी करने के लिए भी किया जाता है। अब एंटीरियर सेगमेंट OCT भी आ गया है जिसमें जो हमारा कॉर्निया है, आगे लेंस है, एंटीरियर चैम्बर एंगल है, इन सब की भी स्टडी की जा सकती है। OCT का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है रेटिना की डायग्नोसिस में। रेटिना हमारी आंखों का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है जिस पर हमारी पूरी रोशनी केंद्रित होती है। और दोस्तों, इसी रेटिना पर बहुत सारी बीमारियों का अटैक भी होता है, जैसे डायबिटीज़ रेटिना को ख़राब कर सकती है, ब्लड प्रेशर रेटिना को ख़राब कर सकती है, सूर्य ग्रहण की रोशनी भी रेटिना को ख़राब कर सकती है, और तो और रेटिना में कभी कभी होल हो सकते हैं, उम्र के साथ भी रेटिना वीक हो जाता है। तो इन बीमारियों का यदि समय पर इलाज ना हो और समय पर पता ना चले तो अंधापन आ सकता है। इस OCT की मदद से हम रेटिना में बहुत सारी बीमारियां अर्ली स्टेज पर पकड़ कर सकते हैं, जैसे डायबिटिक मैक्लोपैथी, मैक्लो डिजनरेशंस, मैक्लो डिस्ट्रोफीज, मैक्लोर होल, एपीरेटिनल मेम्ब्रेन, विट्रो मैक्लो अट्रैक्शन। ये ऐसी बीमारियां हैं जो आंखों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं और धीरे धीरे आपको अंधा बना सकती हैं, परंतु OCT की मदद से समय रहते इसकी डायग्नोसिस की जा सकती है और रेटिना स्पेशलिस्ट सही समय पर इलाज करके आपको आगे होने वाले अंधेपन से बचा सकता है। रेटिना के अलावा OCT का इस्तेमाल किया जाता है ग्लोकोमा के लिए, यानी काला मोतिया। काला मोतिया में हमारी ऑप्टिक नर्व फाइबर कमज़ोर होने लगती है, जो उसमें रेटिनल नर्व फाइबर होती है वो पतली होने लगती है। OCT से रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की थिकनेस भी नापी जा सकती है। कॉर्निया, जो हमारी आंखों का सबसे आगे का हिस्सा होता है, इसमें भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें OCT की मदद ली जा सकती है। और दोस्तों, अब OCT में एक नई एडवांसमेंट आ गई है, OCT एंजियोग्राफी। मैं आपको बताना चाहूँगा आंखों की एंजियोग्राफी एक ऐसे टेस्ट है जो दशकों से किया जा रहा है। अभी तक एंजियोग्राफी के लिए ब्लड वेसल में एक फ्लोरोसेंट डाई का इंजेक्शन दिया जाता था और उस डाई की जब आंख में पहुंच जाती थी तो एक कैमरा से फोटो ली जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब OCT एंजियोग्राफी की मदद से किसी डाई की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि नॉन इन्वेजिव तरीके से ही आंखों की एंजियोग्राफी की जा सकती है। यदि आपको OCT टेस्ट की एडवाइस आपके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट द्वारा दी गई है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि आमतौर पर OCT शब्द CT स्कैन से मिलता जुलता होता है और लोग समझते हैं इसमें कोई रेडिएशन का इस्तेमाल होगा या कोई साइड इफेक्ट होगा। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, OCT बिल्कुल नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और बिना किसी साइड इफेक्ट के किया जा सकता है, कुछ ही मिनटों में हो जाता है, इसमें किसी तरह का रिस्क भी नहीं होता। साथ ही साथ इस टेस्ट से आपके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को यानी कि आई स्पेशलिस्ट को आपकी बीमारी को सही से आंकने में और जाँचने में मदद मिलती है, जिससे आपको वो सही तरह से सलाह दे कि आपकी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं और यदि इलाज की ज़रूरत है तो आपको सही से इलाज बता सकते हैं।